तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे बेटा कौन हो तुम? मुझे क्यों हार पहना रहे हो? अरे मुझे नहीं पहचाना, मैं आपका जवाई जेठालाल। नहीं नहीं कहीं कहीं माँ माँ मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मेरी माँ माँ ये मैं नहीं है। जीजा जी ये आपने क्या कर दिया? ये आपने किसको हार पहना दिया? ये थोड़ी ना हमारी माँ है। क्या टुपू के पापा आप माँ को नहीं पहचानते? जेठिया बापूजी वो क्या है कि सासू माँ को ये 1,01,000 का हार पहनाने का इतना उत्साह था ना कि उसमें मैंने इनके चेहरे की तरफ ध्यान से देखा ही नहीं। माँ सॉरी माँ, थोड़ा पार्किंग की वजह से लेट हो गया। माँ ये आपके गले में पैसों का हार किसने पहना है? ये इन्होंने पहना आया। अरे वाह थैंक यू चलो माँ। भाई थैंक यू क्या? ये हार मेरी माँ के लिए है, इन्होंने आपको मेरी माँ समझ के पहना दिया था। हाँ इनसे गलती हो गई है, लाइए ये हार मुझे दे दीजिए, लाइए। ठीक है कोई माँ जी दिखी अंदर? चाचा कोई माँ जी दिखी अंदर? नहीं कोई। कमाल है, नानी माँ अब तक बाहर क्यों नहीं आए? मैनू क्या पता। हाँ पता नहीं कहाँ रह गई माँ। ओ जेठा ब्रा जीव दिया माता जी कहीं बोरीवली स्टेशन तो नहीं उतर गए? अरे नहीं नहीं मैंने माँ को बताया था कि लास्ट स्टॉप पे ही उतरना है। माँ का काम एकदम चौकस होता है, उसने ऐसे ही किया होगा। अरे दोस्तों हम लोग क्या खड़े हो गए, अटकल ही लगाते रहेंगे। सुंदर अपनी माताजी को फोन करो ताकि पता चले कि वो कहाँ है। अरे माँ मोबाइल का इस्तेमाल ही नहीं करती। बोलो वरना मैंने उसको कब का फोन कर दिया होता। अरे तो अभी कैसे पता चलेगा? मैं अहमदाबाद फोन करता हूँ। हेलो पोची मामा, माँ अभी तक पहुंची नहीं है। अच्छा चलो आपको कुछ पता चले तो तुरंत फोन कर देना मुझे, ओके? उनको भी कुछ पता नहीं है। रत्ता सासू माँ गई कहाँ? हेलो माँ कहाँ कमाऊँ जा कहाँ है कहाँ अंदर कहाँ कौन से माँ कहाँ हो कौन से प्लेटफॉर्म पे हो तुम माँ? अरे हम यहाँ बांद्रा स्टेशन पे पहुँच गए, 5 नंबर के गेट पे है माँ। क्या माँ तो अहमदाबाद से निकली ही नहीं है? क्या क्या बाबा जी माँ से ट्रेन छूट गई थी। बोलो माँ ट्रेन कैसे छूट गई? माँ अपनी पूरी महिला मंडल के साथ दूर दराज के गांव में सेवा करने के लिए गई थी और फिर वहां से निकल ही नहीं पाई। अरे तो एक फोन कर देना चाहिए था ना। अरे वो ही तो बता रही है माँ कि गांव इतना छोटा था कि सरपंच के अलावा किसी के पास मोबाइल ही नहीं था। तो और सरपंच की भैंस बीमार हो गई थी तो सरपंच उसका इलाज करवाने के लिए उसे तालुका अस्पताल ले गया था। अब सरपंच अपनी भैंस और मोबाइल दोनों लेके आ गया तो माँ ने तुरंत उसके फोन से हमारे साथ बात कर ली। देखा माँ का काम कितना परफेक्ट है।
इसको भी आज ही बीमार पड़ना था। अरे सुंदर भाई, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। हमारी संस्था में सब लोग बहुत उत्सुक है जीवदया बेन को देखने के लिए। सब लोगों ने उनके काम के बारे में बहुत सुना है, लेकिन आज तक उनको कोई मिला नहीं है। उनके दर्शन करने के लिए ही तो ये प्रोग्राम रखा था। अगर वे नहीं आएंगे तो पूरा प्रोग्राम चौपट हो जाएगा। इन्विटेशंस भी बढ़ चुके हैं, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां आने वाली हमारे प्रोग्राम में, क्या करें। सुंदर भाई देखिए, कार्यक्रम 6 बजे का है, उनको कहिए कि दोपहर की फ्लाइट पकड़ के तुरंत आ जाए। जो भी खर्चा होगा फ्लाइट का हम दे देंगे। हाँ प्लीज। ये ठीक है। माँ सुना ना तुमने, तुम विमान पकड़ के आ जाओ। हाँ माँ, शाम को विमान पकड़ के आ रही है। तो अभी सासू माँ को लेने एयरपोर्ट कितने बजे पहुँचना है? अरे जेठा भाई, उसकी चिंता आप मत कीजिए, एयरपोर्ट पे जीवदया बेन को लेने के लिए हमारी संस्था की गाड़ी पहुँच जाएगी। ओके हाँ, ये भी ठीक है। माँ एयरपोर्ट से सीधी राधा कृष्ण हॉल पे पहुँच जाएगी, और आप सब लोग भी सीधे हॉल पे पहुँच जाना। लेकिन वीरा बहना, तुम चिंता मत करो, और इतने सारे लोग भी एयरपोर्ट पे जाएंगे तो वहाँ सिक्योरिटी प्रॉब्लम होगी, वहाँ पे बैंड बजा भी नहीं बजा सकते, और पार्किंग भी बाहर करनी पड़ेगी। बहना ये बराबर है, आप सब लोग सीधे हॉल पे ही पहुँच जाना। ओके ठीक है, यही ठीक रहेगा। ये लीजिए आपके परिवार के लिए 7 पास। ये लीजिए माय डियर जीजाजी। सिर्फ 7 पास? अरे हम तो 20, 22, 25 लोग है। हाँ, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी के सब लोग माँ को मिलने के लिए बहुत ही उत्सुक है। हाँ थोड़ी दया बन, इतने ही पास है, बाकी सारे पास बच चुके। पर पटेल भाई, हम सोसाइटी वाले को कैसे मना कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे भी समाज के बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, इससे ज्यादा पास नहीं हो पाएंगे, सॉरी। नहीं नहीं कोई बात नहीं, वैसे भी प्रोग्राम के बाद तो विमान हमारे घर पे आएगी ना। हाँ। तभी सब लोग मिल लेंगे। माँ हमारे घर आएगी। हाँ क्यों नहीं आएगी, तू चिंता मत कर बेना। मुझे और ये हार, एक काम कीजिए, ये हार मुझे दे दीजिए, मैं माँ को पहना दूंगा। ला, ला, नहीं, 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 भाई नहीं, ये हार तुझे नहीं मिल सकता। क्या सासू माँ को मैं जब भी पहली बार मिलूंगा तभी मैं अपने हाथों से ये हार उनको पहनाना चाहता हूँ, इसलिए ये हार मेरे पास ही रहेगा। ठीक है, तो ये प्रोग्राम फाइनल है, आप सब लोग शाम को 5:30 बजे राधा कृष्ण हॉल पे पहुंच जाएंगे, और मैं माँ के स्वागत की तैयारी करता हूँ, और मैं भी डायरेक्ट हॉल पे पहुंच जाऊंगा। ओके ठीक है, चलो फिर अभी सोसाइटी चले। हाँ चलो चलो, चलो 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 भाई चलो। जो भी हुआ अच्छा हुआ ना। अभी हो गई ना तैयारी सब? पटाखे आ गए, वेरी गुड। वो बोर्ड बोर्ड देखा मुझे तो लग रहा है भाई, जैसे ही गाड़ी दिखेगी वो दिख ही मिटी। ओके बेटा चल, वो वाला भेजना आज। आगे इधर इधर से, इधर से, इधर से थोड़ा पीछे से, थोड़ा पीछे से, थोड़ा आगे। अरे 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 क्या कर रहे हो? अरे 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 सुन ले, तू सॉरी। अरे भाई छोड़ो। अरे अरे हेलो, अरे अरे कॉल कीजिए। अरे जेठा लाल, तुम्हारी सासू माँ नहीं आई है, जाने बगैर इन लोगों ने तो जलसा शुरू कर दिया। रोको भाई, रोको इनको। अरे जेठालाल रोको इनको भाई। अरे मैं कैसे रोको, कब से चिल्ला रहा हूँ, इशारे कर रहा हूँ बंद करो, लेकिन सुन ही नहीं रहे कोई। अरे फटाका मत चलाओ, सासू माँ नहीं आई है। टप्पू के पापा अभी जाने दीजिए, जो बात हमारे हाथ में नहीं है उसमें हम क्या कर सकते हैं? और अमिताभ भाई बच्चन जी ने कहा है ना, मन का हो तो अच्छा, ना हो तो ज्यादा अच्छा। अरे अरे बंद करो, अरे फटाके मत चलाओ, ये सारी समझदारी होगा, फटाके लग न जाए। हेलो दया बाबी की माँ जी कहीं नजर ही नहीं आ रही है। फटाके बंद हो, आई 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 आई। अरे पीछे पीछे बम फूट रहे, बम फूट रहे, इधर पीछे आओ।
नहीं है, बम नहीं है जेठालाल, कागज के फूल बरसा रहे हैं। और पता चलेगा कि माँ जी नहीं आई तो फिर तानों के शूल बरसाएंगे। चलो चलो। क्या शूल क्या? अरे ताने मारेंगे हम पे कि भाई माँ जी नहीं आई है। वेलकम, आइए आइए आइए। दया भाभी कहाँ है आपकी माँ? हम लोग कब से आतुर हैं उनको मिलने के लिए। अरे भाई मैं तो अपना भाई बेटा साथ ही लेकर आया हूँ। अगर दया भाभी की माता जी का आशीर्वाद रहा तो आज ही मेरी शादी तय हो जाएगी। पोपट भाई, सॉरी, माँ साथ में नहीं आई है। आते? आया क्या? पोपट भाई? क्या? आते? हाँ, सॉरी, हमें माफ कर देना। हम लोग दया की माता जी को साथ में नहीं ला पाए। आप सबको बहुत परेशानी हुई, तकलीफ हुई, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। सॉरी बबीता जी। इट्स ओके जेठा जी, होता है। इन्हें फिर भी बुरा तो लगता है ना, आप सब सुबह 6 बजे उठ के ये सासू माँ की आगमन की तैयारी में लग गए थे तो बुरा तो लगता ही है ना। सॉरी सॉरी सॉरी। अरे लेकिन माता जी क्यों नहीं आई ये तो बताओ। हाँ, वो बताइए ना। वो दरअसल हुआ यूं कि माँ एक समाज सेवा के काम में बहुत बिजी हो गई थी, उसमें गाड़ी चूक गई। तो अभी माँ शाम को सीधा विमान से आने वाली है और अवार्ड फंक्शन में जाएगी। हाँ मतलब आ रही है। भागा विमान से? तो क्या सेठानी जी आपकी माता जी हमें नहीं मिलेंगी? हाँ दया भाभी, हम सब कितना इंतजार कर रहे हैं, हमारी सोसाइटी में वो हमसे मिलने नहीं आएगी। नहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन बाद में। पहले नानी अवार्ड फंक्शन में जाएगी, उसके बाद ही आएंगे। कमाल, तो पहले बताना चाहिए था ना टप्पू, ये इतने पटाखे फोड़े, ढोल बजाया, सब व्यर्थ गया। अरे बताते कैसे भिड़े, हमारे बोलने के पहले तुम लोगों ने पटाखे छोड़ना शुरू कर दिए। और ऐसा नहीं कि हमने आपको रोकने की कोशिश नहीं की, हम तो कितना चिल्लाए, कितने इशारे किए, लेकिन आप लोग को हमको देखने को तैयार ही नहीं थे। अरे भाई सुनो ना सुनो, पर कम से कम इशारे तो देख सकते हो ना। ओ मेहता साहब, इतने तो हमें हम लोग दिखाई नहीं दिए होंगे। अरे लेकिन छोटी तेरी तो हाइट भी फर्स्ट क्लास है, तू तो धुआं के ऊपर भी दिख जाता है, कम से कम तुझे देख के तो समझ जाना चाहिए ना इनको। ओ जेठा ब्रा, पर मैं किधर इशारे कर रहा था, और मैं तो देख रहा था इस बार हमारी सोसाइटी में ये जो पटाखे हैं इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। एक मिनट जेठालाल, ऐसा नहीं कि मैंने आपका इशारा नहीं देखा, मैंने इशारा देखा, लेकिन मुझे लगा कि आप नाच रहे हो। वो इशारा विशारा छोड़ो, लेकिन तुमने फोन क्यों नहीं किया? वहाँ से फोन कर देना कि माता जी नहीं आई है। सही बात है, फिर हम लोग ऐसा नहीं करते। करेक्ट है। हाँ बराबर है, जेठा तूने फोन क्यों नहीं किया? वो बापू जी सासू माँ नहीं आई है, वो समाचार सुन के ही मैं उदास हो गया, और उदासी में मैं भूल गया फोन करना, मैं तो सूझा ही नहीं। या। चलो अभी होनी को कौन टाल सकता है। दया ये ले, ये हार संभाल के रख दे, अभी तो शाम को इसकी जरूरत पड़ेगी। हाँ। संभाल के रखना। हाँ। लाओ मम्मी, मैं ले लेता हूँ। चलो कोई बात नहीं दया भाभी, जो हुआ सो हुआ, अब हमें शाम को अवार्ड फंक्शन में जाना है, उसकी तैयारियाँ करते हैं। चलो फिर अभी घर जाकर सो जाते हैं, शाम को सबको दया भाभी की माँ के अवार्ड फंक्शन में भी जाना है। सॉरी बुरा मत लगाना, लेकिन क्या है कि पास है ना अवार्ड फंक्शन में जाने का, सिर्फ 7 पास मिले, तो हम सब नहीं जा पाएंगे। इट्स ओके जेठा जी, आप लोग जाइए, अवार्ड फंक्शन के बाद जब वो यहाँ पे आ जाएंगे तब हम उनसे मिल लेंगे। हाँ करेक्ट है बबीता जी, मतलब दया भाभी की माता जी अब यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे स्वागत के लिए रहना चाहिए ना कोई। सही बात है, सही बात है। अरे आप लोग निश्चिंत होके जाइए, वो आएंगे ना तो हम लोग इससे भी जोरदार स्वागत करेंगे। तो हम लोग यहीं रहेंगे। आप चलो फिर तैयारी करते हैं। आइए यार भाई। तो भाई एक बात बोलो अंजलि, ये जेठालाल की किस्मत भी कमाल की है भाई। बोलो है किसी की ऐसी कुंडली, क्योंकि जेठालाल जो चाहता है वो तो कभी होता नहीं, और जो नहीं चाहता है वो कर ही रहता है। ये बात तो सच है तारक, जेठा भाई ने अपनी सासू माँ के आने की कितनी भव्य तैयारी की थी, हम सब ने कितने उत्साह के साथ उनके आने की तैयारी की, और वो है कि आए ही नहीं। लेकिन अब भगवान से प्रार्थना करो अंजलि कि वो शाम को वक्त पर मुंबई पहुंच जाए, वरना सारा प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा। क्यों? पूरा प्रोग्राम क्यों कैंसिल होगा? क्यों क्या अंजलि, वो मानव सेवा मंडल वालों ने साफ कहा कि ये जो पुरस्कार है वो पर्सनली दया भाभी की माँ को ही मिलने वाला है, वो नहीं आएंगी तो अवार्ड नहीं मिलेगा, और साथ में पुरस्कार के 11 लाख रुपए भी जाएंगे। लेकिन तारक
मुझे तो लगता है कि जितनी कमाल की अपनी दया भाभी है ना, उससे 10 गुना ज्यादा कमाल की उनकी माँ होगी। बस वो एक बार आ जाए तो हम सबकी इच्छा पूरी हो, फिर तो धमाल ही धमाल। पर अभी की स्थिति ये अंजलि के दया भाभी की माँ आएंगी तो धमाल है ही, नहीं आएंगी तो भी धमाल है। वैसे तारक, आज शाम को हमें कितने बजे अवार्ड फंक्शन में जाना है? अरे शाम को 6 बजे अवार्ड फंक्शन, और मुंबई के ट्रैफिक को देखते हुए हमें लगता है कि 4:30 बजे तैयार होकर निकलना पड़ेगा। अरे दया, वो 1,01,000 वाला हार संभाल कर रखा है ना? ओ, रख दिया है संभाल के, क्योंकि शाम को माँ आएगी तो पहनाना पड़ेगा ना। क्या पहनाना है ना माँ को हार? हो सुबह माँ के स्वागत के लिए क्या क्या तैयारियां की थी, नहीं बैंड बाजा पटाखे सब फोकट में गया। अरे आप अपने बारे में सोच रहे हैं, जरा सोचिए माँ पर क्या बीत रही होगी। सुंदर को फोन करके पूछो। अरे सुंदर तो यहाँ है। कहाँ है? अरे बाबा यहाँ है मतलब यहाँ मुंबई में है। वो यहाँ बैठे बैठे कैसे बता सकता है कि माँ पर क्या बीत रही होगी? अरे भाई मैं ये कह रहा था कि सुंदर को फोन करके पूछूं कि माँ को प्लेन की टिकट मिली कि नहीं मिली, और मिली तो कितने बजे की मिली, वरना क्या होगा कि हम तो तैयार होके अवार्ड के प्रोग्राम में पहुँच जाएंगे और वहाँ जाके पता चलेगा कि माँ तो अहमदाबाद से निकली ही नहीं है, तो खाली पोकट फिर से दौड़ा दौड़ी हो जाएगी ना। ए नाजुकनी नार, दौड़ा दौड़ी करने में तुझे प्रॉब्लम है? नहीं नहीं बापू जी, वो मैं आपकी बात कर रहा था, ये उम्र में ज्यादा दौड़ा दौड़ी नहीं कर सकते ना बापू जी। हाँ, हाँ। अरे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं 10 बार दौड़ा दौड़ी कर सकता हूँ, ये देख। नहीं नहीं बापू जी, समझ गया मैं, समझ गया, फिर भी जरा सुंदर को फोन करके पूछ ही लेता हूँ। हाँ हेलो सुंदर। अरे क्या बात है जीजा जी, अरे मैं आपको ही फोन लगाने का सोच रहा था और आपका फोन आ गया। देखा देखा हमारा ख्याल कितने मिलते जुलते है। मैंने ये पूछने के लिए फोन किया कि माँ की क्या खबर? मस्त फर्स्ट क्लास। अरे मेरा मतलब है कि माँ को प्लेन का टिकट मिली कि नहीं? अरे टिकट मिली क्या, माँ तो एयरपोर्ट पहुंच भी गई। मुंबई एयरपोर्ट? अहमदाबाद एयरपोर्ट। हाँ हाँ हाँ, तो कितने बजे पहुंच रहे मुंबई? बस मुंबई से विमान अहमदाबाद पहुंचे, माँ उसमें बैठेगी और 1 घंटे में मुंबई। अच्छा 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 अच्छा, नहीं माँ तो समय सर पहुंच जाएगी, लेकिन आप लोग समय सर घर से निकल जाना और ठीक 5:30 बजे राधा कृष्ण हॉल अंधेरी वेस्ट पहुंच जाना। ओके? हाँ हाँ पहुंच जाएंगे। हाँ हाँ नहीं पहुंच जाना, वहाँ पे भीड़ बहुत होगी, फिर ऐसा ना हो कि आप लोग भीड़ में खो गए और अंदर पहुँच ही ना पाओ। अरे भाई बोला ना पहुँच जाएंगे मतलब पहुँच जाएंगे भाई। अरे पहुँच तो आप जाओगे, लेकिन पहुँचने के बाद आप हॉल के बाहर खड़े मत रहना, अंदर जाकर अपनी सीट पकड़ लेना। ओके? ठीक है। और सुनो, आप बहना को बोल देना माँ बहुत थक कर आई होगी तो उसे ज्यादा सवाल ना करे, क्योंकि कार्यक्रम खत्म करके माँ घर पे ही आने वाली है। ओके? ठीक है समझा दूंगा, और कुछ? कुछ नहीं, फोन रखो। हाँ सुंदर ने कहा कि माँ अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंच गई है। अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं बहू, खुशी हो रही हो तो उसे व्यक्त करनी ही चाहिए। मैं भी बेवकूफ बन गया, किसी और को ही दया भाभी की माँ समझ बैठा। भाई अक्सर हमने देखा है कि माँ बच्चों का इंतजार करती है, लेकिन यहाँ बिल्कुल लोलट है, यहाँ बेटी अपनी माँ का, जमेराज अपनी सासू माँ का, दोहिता अपनी नानी का, और समधी अपने समधन का इंतजार कर रहे हैं, और जेठालाल के सुबह से फुटबॉल बने हुए, और दया भाभी की माँ दर्शन ही नहीं दे रही है। भाई दया भाभी की माँ के आए बिना ही पटाखे फूट गए, अब देखते हैं कि क्या होता है, अब शाम का इंतजार करना होगा हमें। भाई शाम को क्या होता है देखने वाली बात होगी, दया भाभी की माता जी का यह सम्मान समारोह किस तरह हंसी का गरबा लाता है ये देखने के लिए देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.